मंत्री जी, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कितनी बड़ी सौगात देंगे और कितना हर्ष का विषय है बनारस के लिए, पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के लिए। बिल्कुल, देखिए ये काशी के लिए तो हमेशा ही उनका आगमन एक बड़ा, बहुत बड़ा सौभाग्य लेके आता है, लेकिन इस बार जो आ रहे हैं वो विशेष है। ये काशी ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को जो वो सौगात देने जा रहे हैं। हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ एक भव्य स्टेडियम, दुनिया स्तर का स्टेडियम बनाने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर जो हमारे खिलाड़ी हैं और हमारे जो युवा हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा और बहुत बेहतर विकल्प यहाँ पे मिलने जा रहा है। और एक बड़ी सौगात लेकर पूज्य प्रधानमंत्री जी का इस बार आगमन हो रहा है। पूरा काशीवासी, विशेष तौर पर युवा, बहुत उत्साहित हैं। मैं समझता हूँ कि कल ये सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाएंगे, इतना क्राउड आने वाला है, इतना लोग आने वाले हैं, इतना नौजवान आने वाले हैं, तो बहुत विशेष कार्यक्रम है। और दूसरा, एक अटल आवासीय विद्यालय जो हमारे विभाग से जुड़ा हुआ है, हमारे साथ हमारे राज्य मंत्री जी भी, मुन्नूलाल कोरी जी भी हैं, हम लोग वहाँ से भी आ रहे हैं। तो एक जो हमारे कामगार हैं, हमारे जो श्रमिक हैं, उनके बच्चों के शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, हमारे विभाग की महत्वाकांक्षी योजना है अटल आवासीय विद्यालय की, उसका भी उद्घाटन कल होना है, वो भी लोकार्पित होगा कल। अगर हम बात करें, बात चल रही है महिला आरक्षण बिल पर भी, वो बात करेंगे, महिलाओं से संवाद करेंगे, तो कितना अच्छा साबित होगा ये महिला बिल आरक्षण की बात हो रही है, बहुत दिनों से मोदी जी ने उसे आगे बढ़कर लागू कराया, पारित कराया, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, आप देखते होंगे विपक्ष के लोग, खासतौर पर कांग्रेस के लोग और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग, हर योजनाओं को कहते हैं कि हमने इसको शुरू किया, ये हमारे विचार है। भाई आपने शुरू किया तो आपने अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया? तो आज पूज्य मोदी जी की सरकार हर योजनाओं को अंजाम तक लेकर जा रही है। महिला आरक्षण बिल का जहां तक सवाल है, 27 वर्ष का इंतजार माताओं बहनों का ख़त्म हुआ है, तो विशेष अभिनंदन हमारी मातृशक्ति प्रधानमंत्री जी की करने जा रही हैं, वो भी एक कार्यक्रम है।